Assalamualaikum. Welcome, my dear students. Good morning. How are you all? Hope all are good. So students, आज हम हिंदी पढ़ेंगे. आज हम नया अल्फाबेट पढ़ेंगे, ड और ढ. इसके रिलेटेड शब्द भी पढ़ेंगे और लिखना भी सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट द रिलेटेड वर्ड, द से बनने वाले शब्द. द से दरवाजा, द से दवा, द से दवात, द से डरी. नाउ द रिलेटेड वर्ड, द से बनने वाले शब्द. ध से धनुष, ध से धागा, ध से धन, ध से धनिया. अब बच्चों, ड और ढ के रिलेटेड वर्ड्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगी और लिखना भी सिखाऊंगी. स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिंदी टेक्स्ट बुक. ओपन पेज नंबर 6161. टुडे वी विल लर्न ड. ड से डरी. डरी मीन्स मैट. ड से डरी. ड से डरी. ड से डरी. ड से दरवाजा. दरवाजा मीन्स डोर. ड से दरवाजा. ड से दरवाजा. ड से दरवाजा. नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 6262. टुडे वी विल लर्न ढ ऑल्सो. सो ड और ढ दोनों आज पढ़ेंगे और लिखेंगे. तो बच्चों, ये क्या है? ढ. ढ से धनुष. ढ से धनुष. धनुष मीन्स बो. ढ से धनुष. ढ से धनुष. ध से धन. धन यानी वेल्थ, खजाना, जो सोने के सिक्के होते हैं, सोने के मीन्स के ज्वेलरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? धन. ध से धन. ध से धन. ध से धन. टर्न्स ओपन पेज नंबर 6464. अब हम ड और ढ के रिलेटेड कुछ और शब्द पढ़ेंगे. चित्र देखिए और बोलिए. ड से दही. ड से दही. दही मीन्स कर्ड. मम्मी बनाते ना, कड़ी बनाते हैं, हम लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो वो दही में से बनता है. ड से दही. ड से दही. ड से दवा. दवा मीन्स मेडिसिन. ड से दवा. ड से दवा. नाउ नेक्स्ट, ड से दवात. दवात मीन्स इंक पॉट. पेन के अंदर इंक पेन आती है ना, उसमें हम इंक भरते हैं, फिर उससे वो पेन से लिखते हैं. तो जो इंक पॉट है, इसके अंदर क्या है? इंक. तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ड से दवात. ड से दवात. नाउ नेक्स्ट, द वर्ड्स रिलेटेड टू ध. ड से धनिया. ड से धनिया. ड से धनिया. नाउ नेक्स्ट, ध से धब्बा. धब्बा मीन्स ट्रेन, यानी हम कपड़े पहनते हैं तो कुछ खाते हैं तो कुछ धब्बा लग जाता है ना हमारे कपड़े पे, कुछ गिर जाता है तो उसका क्या लग जाता है बच्चों? कपड़ों पे धब्बा लग जाता है. तो ध से धब्बा. ध से धब्बा. ध से धब्बा. नाउ नेक्स्ट, ध से धरती. ध से धरती. धरती मीन्स जमीन. ध से धरती. ध से धरती. स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 6161. अब ड कैसे लिखना है मैं आपको दिखाती हूँ. सी स्टूडेंट्स, ये जो
जो 3 ब्लू लाइन है वहां से फर्स्ट लाइन से थोड़ा स्टैंडिंग लाइन करना है, फिर कर्व लाइन करके थर्ड लाइन तक ले जाना है और फिर इसे मोड़ देना है। सी स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, फिर इसको मोड़ देना है। मोड़ के भी सिर्फ ब्लू थर्ड ब्लू लाइन को टच करना है, थर्ड ब्लू लाइन से बाहर नहीं निकलना है। तो ऊपर क्या करना है, स्लिपिंग लाइन। ये हो गया हमारा ड, बोल के लिखना है ड से दरवाजा, ड से दरवाजा, ड से डरी, ड से डरी, ड से दही, ड से दही, ड से दरवाजा, ड से दरवाजा, ड से दही, ड से डरी, ड से दरवाजा, ड से दरवाजा। स्टूडेंट्स, इस तरह आपको अच्छे हैंडराइटिंग में ट्रेस करना है और लाइन टच करके ड से दरवाजा लिखना है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 6262। आज हम लोग ड और ढ दोनों अल्फाबेट साथ में लिखेंगे। तो बच्चों देखो कैसे लिखना है ड। ये जो 3 ब्लू लाइन है वहां से सर्कल करना है और थोड़ी लाइन को यहाँ तक खींचना है। फर्स्ट ब्लू लाइन से थोड़ा को, फिर वहीं से कर्व लेके सेकेंड लाइन को टच करना है। सर्कल लेके थोड़ा कर्व, और ये जो कर्व है वो उसको ब्लू लाइन तक टच करना है, सेकेंड ब्लू लाइन, और फिर उसके साथ स्टैंडिंग लाइन करना है। कर्व देन स्टैंडिंग लाइन, और सिर्फ ये स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही स्लिपिंग लाइन करना है। तो ये हो गया आपका ढ। बोल के लिखो बच्चों, ढ से से धन, ध से धनिया, ध से धनुष, ध से धन। इस तरह आपको ध से धनुष और ड से दरवाजा अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। थैंक यू, लव हाफिज़।